सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। आज हम लोग जो है ना अगला जो चैप्टर है तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे अब पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, भाई जानना जरूरी है कि नहीं है। तो ये बात हम लोगों ने देखी है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चैप्टर का क्या नाम था, बहुपद। क्या नाम था? बहुपद था, ठीक है। अब बहुपद से देखिए रैखिक भी बहुपद था ना, बहुपद तो हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें कैसा बहुपद पढ़ा था, रैखिक बहुपद पढ़ा था, आया ना। लेकिन अब यही बहुपद किसमें बदल जा रहा है, दो चर वाले। अरे भैया दो चर कहाँ जा रहे हो, ठीक है पहले यहाँ आओ, पहले समीकरण में आओ, ठीक है। चर अचर तो आपका आ गया ना, दो चर मतलब नहीं समझ में आता है, दो चर का मतलब क्या होता है, दो चर वाला रैखिक बहुपद। भैया एक एक्स मैंने लिख दिया, एक प्लस टू वाई लिख दिया, बस ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक बहुपद हो गया। तो दो चर तो समझ में आया ना, तो दो चर ये समझ में आया। अब ये रैखिक समीकरण की बात कर रहा है, किसकी बात बोल रहा है, रैखिक समीकरण की। हम लोगों ने बहुपद पढ़ा, हम लोगों ने बहुपद तो पढ़ा ना, तो बहुपद से अब किसमें बदल गया, ये समीकरण में। तो समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है, इस बात को हम लोग जानेंगे। अब देखिए बहुपद क्या होता है, कोई भी जैसे पद मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है, इतने में ही मैंने छोड़ दिया, तो ये दो चर वाला क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। लेकिन बहुपद को अगर समीकरण बनाने के लिए ना, बहुपद और समीकरण में बहुत माइनर का डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर का डिफरेंस होता है। भैया यहां पर भी मैं x प्लस वाई लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क जानते हो क्या होता है, लड़की से सुहागन होने में बस सिंदूर इसको डाल दो, बराबर का कुछ भी लगा दो, सिर्फ आपको नहीं, जीरो भी नहीं हो, जरूरी नहीं है कि जीरो हो, बराबर वन हो, मतलब बराबर का सिंबल प्रतीत होना चाहिए। अगर इतनी बातें अगर इसमें लग गई तो ये बहुपद से क्या हो जाएगा, समझ में आया, ये कुंवार से हो जाएगा सुहागन, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा प्रतीक क्या है, सिंदूर ही है ना, तो ऐसे समझ लो कि इसमें सिंदूर लगा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, भाई इसने बोला दो चर वाला रैखिक समीकरण, भाई रैखिक बहुपद तो आपने पढ़ा ना, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो, अरे एक, जीरो हो, अरे जीरो, इतना जल्दी आप लोग कैसे भूल जाते हैं, का बद्रीनाथ धाम का यात्रा करके आए हैं क्या, नहीं चार धाम से हमको लग रहा है आ रहे हैं एकदम हकुआल भकुआल यात्रा से नहीं आ रहे ना। अरे रैखिक बहुपद हमने बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की, जैसे मैंने लिखा ना, जैसे देखिए 2z + 5, जिसमें चर की अधिकतम जो घात क्या हो, एक हो, इसमें चर है ना, इसमें चर है ना जेड, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, एक है, तो जब एक है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक बहुपद, कितना, एक चर वाला, ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक बहुपद हो गया, समझ में आया ना। अब क्या बोलेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 7x + 3, तो ये क्या हुआ, अरे भैया तो x की अधिकतम घात कितनी हो गया, दो, तो द्विघाती बहुपद हो गया। ये बात हमने बताई है या नहीं बताई है, बताया है ना। अब यही बात जो है ये बहुपद में आया, अब इसने बोला कि एक चर में अब आपको नहीं पढ़ना है, भाई यहाँ पर तो एक चर वाला है द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, लेकिन इसने बोला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, तो दो चर में मतलब कि कम से कम कितना पावर रहेगा, दो रहेगा, वो क्या होगा, द्विघाती बहुपद को हमको क्या बदलना है, रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण में आता है जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी हो, एक हो। जैसे यहां पर हमने लिखा x, ये चर है, ये दो चर है, भाई एक x है एक y है, दो चर हुआ, तो दो चर वाला रैखिक बहुपद, तो चर की अधिकतम दोनों में पावर कितनी है, एक है ना, इसलिए क्या होगा, ये रैखिक बहुपद हो गया, कोई दिक्कत है। अब वैसे ही अगर मैं लिखूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं
2x प्लस 5z बराबर 3 भी मैं कर दूं, तो ये जो है आपका क्या होगा, ये भी एक दो चर वाला क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 7z प्लस 3 बराबर 0, तो ये क्या होगा, ये दो चर वाला, देखिए ये x के अधिकतम भाव कितनी होगी, दो होगा ना, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो रैखिक बहुपद है ना, यही जो रैखिक बहुपद है ना, दो ही रहेगा, और दो चर वाला रैखिक बहुपद वो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आया। और कम से कम, लेकिन यहां देखिए युग्म बोल रहा है, आगे देखिए समीकरण के बाद इसने क्या बोला, युग्म बोला ना, तो कम से कम आपका यही दो चर वाला रैखिक समीकरण का ना युग्म का मतलब जोड़ा होगा, कम से कम दो रहेगा। जैसे आपका दे देगा, देखिए 7x प्लस 5y बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 7, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दोनों समीकरण का क्या हो गया, युग्म हो गया। कम से कम कितना देगा, दो देगा, और बोलेगा कि इसी समीकरणों का प्रयोग करके, समझ में आया ना, तो इसी समीकरणों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, ज्यामिति निरूपण करना है कि नहीं। अब इसको सालो करना है, सालो करने की कई विधि होती है, एक प्रतिस्थापन होती है, एक विलोपन होता है, और एक वज्र गुणन होता है। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है? तो ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा ना, ये तो बीजगणितीय रूप हुआ, ये क्या जो मैंने बनाया है, ये क्या है, बीज गणितीय रूप है। लेकिन अगर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफी विधि अगर बनाना पड़ेगा, तो ऐसे हम चतुर्थांश से बनाएंगे, इस तरीके से बना देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफी विधि हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो ये जो है आपका समीकरण को सॉल्व करने का है, तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए पहला वाला जो आप लोगों का एग्जाम्पल है, बोल रहा है अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वह चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। चरखी की सवारी जानते हैं, ऐसे गोल गोल जो घुमा जाता है, देखे होंगे, और हुपला जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पेन ले लिया, ठीक है, और इस पे एक चक्कर का ऐसे गोला सा रहता है, और जिसपे हम रखेंगे, जिसपे जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा। देखे ना, अरे गांव में कट्टू जानते हैं, इसमें करेंगे इसे फेंक देते हैं, या लोग पैसा खेलते हैं ना, तो इसमें देखेंगे इसे करके फेंक देंगे, तो जिस पैसे पे चला जाएगा वो क्या होता है, उनका हो जाता है, जीत जाते हैं ना। तो उस तरीके से एक चौड़ा सा होता है ना, और उसको जिस पर वो इसे उड़ाएगा, फेंकेगा, जिस पर गया चिपका, वो क्या हो जाता है, उसका हो जाता है। समझ में आया। तो ये खेल है। अब वो बोल रहा है कि वो चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। यहां तक तो बात समझ में आया कि उसने दो गेम खेला, एक चरखी की सवारी की और दूसरा हुपला गेम खेला। कोई दिक्कत है? आगे क्या बोल रहा है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेला। कहने का मतलब है, जितना उसने चरखी की सवारी की, अगर उसने चरखी की सवारी चार बार की, तो हुपला क्या करेगी, उसका दो बार करेगी, क्योंकि बोला उसने कि उसने हुपला खेल क्या किया, उसका आधा खेला, बोल रहा ना, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए, अगर वो सवारी की जब चरखी की, तो उसके लिए उसने कितने रुपए दिए, एक चक्कर अगर लगाया तो 3 रुपए दिया, हाँ या ना। तो वही बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल कितने रुपए, 20 रुपए खर्च किए। और इन सभी को आपको क्या बोल रहा है कि बीज गणितीय और ज्यामिति रूप में आपको क्या करना है, बताना है, सालो करके नहीं बताना है, बीज गणितीय और ज्यामिति रूप में आपको बताना है। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहां पर? अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इसको बीज गणितीय रूप क्या होता है और ज्यामिति रूप क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि उसने दो गेम खेला है, एक उसने चरखी की सवारी की है और दूसरा उसने हुपला खेला है, ठीक है ना। तो यहां वही बोल रहा है कि अब भाई हम मान लेते हैं कि उसने एक्स बार चरखी की सवारी की और वाई बार क्या किया, क्योंकि यहां देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना,
कितने हैं आपके यहाँ देखिए, ये दो चर वाले हैं, और दो चर वाले हैं इसका मतलब क्या है, दो गेम है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे देखिए, कि माना हम लिखेंगे कि माना किसने खेला है भैया, अखिला ने, माना अखिला ने एक्स बार क्या की, चरखी की सवारी की, क्या की, चरखी की सवारी की, तथा वाई बार हुपला हुपला खेला। यहां तक तो कोई दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है? अब हम क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार कर लेते हैं, क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि देखिए, अब यहां बोल रहा है देखिए कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। कहने का मतलब यह है कि एक्स बार उसने क्या किया, चरखी की सवारी की, अगर हमने माना कि एक्स बार उसने चरखी की सवारी की तो उसका आधा क्या खेला है, हुपला गेम खेला ना, तो हुपला वाई बार खेला है, लेकिन वो बोल रहा है कि इसका क्या किया है, जितनी बार इसने चरखी की सवारी की है उसका आधा क्या किया है, हुपला गेम खेला है ना, तो हम वाई बटा के टू नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत है? इसके बराबर भाई, जितनी बार इसने चरखी की सवारी की है और उसका आधा ही क्या है, हुपला गेम खेला है, तो क्या मैं एक्स बराबर वाई बटा के टू नहीं लिख सकता हूं, लिख तो सकता हूं। एक समीकरण आपका ये बन गया, जिसने उसने पहला बोला उसने मैंने इतना कर दिया, कोई दिक्कत है? यहां तो इसने बोला ना कि यहां देखिए पढ़िए आप लोग, सिर्फ इसको आपको पढ़ना है, खुद ही समझ में आएगा। उसने बोला जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, तो एक्स बार हमने माना ना कि उसने चरखी की सवारी कितनी बार की, एक्स बार की है ना। अब क्या बोल रहा है, सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला, तो वाई बार बार हुपला खेल खेला, तो उसका आधा करेंगे तो ये इतना इसने किया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसका आधी बार उसने क्या किया, हुपला गेम खेला, कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब आगे बोला, यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपए दिए, भाई एक्स बार किया है, एक्स बार किया है ना, तो एक्स बार अगर किया है और प्रत्येक बार के लिए कितने रुपए दिया है, 3 रुपए, तो भाई एक्स, भाई मान लेते हैं भाई एक चक्कर का अगर वो 3 रुपए दे रही है तो एक्स चक्कर का कितने रुपए देगी, 3x रुपए, भाई हमको तो पता नहीं है ना, तो भाई एक चक्कर का उसने 3 रुपए दिया, वही ने बोला उसने चरखी की सवारी की कहां गया, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए दिए, तो भाई हमने सवारी दिया है एक्स बार किया, तो एक चक्कर का उसने 3 रुपए दिया है तो एक्स चक्कर का कितने रुपए दिया, 3x देगा ना। ये प्रथम शर्त था, द्वितीय शर्त आपका हो गया कि भैया कि एक भाई 3x, भाई एक्स चक्कर उसने किया तो एक्स चक्कर का उसने कितने रुपए दिया, 3 रुपए, तो भाई टोटल कितना हुआ उसका, 3x रुपए खर्च कर दिया ना इस पे। अब आगे क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए, तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च किया, भाई 3, भाई जो है चरखी की सवारी के लिए एक्स बार उन्होंने खेला तो भाई एक चक्कर का अगर 3 रुपए दिया तो एक्स चक्कर का 3x रुपए दे देगा, और हुपला कितनी बार खेला है, वाई बार खेला है, तो एक चक्कर का अगर उसने 4 रुपए दिया है तो वाई चक्कर का कितना होगा, 4y होगा ना, भाई एक चक्कर का उसने 4 रुपए दिया है तो वाई चक्कर का कितना होगा, 4y रुपए हो जाएगा ना, और इन दोनों को मिला करके उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपए खर्च किए हैं। ये द्वितीय कंडीशन आपका बोल रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या आपका, आपको मिला देखिए 3x + 4y = 20 और एक मिला x = y/2, तो ये जो आपका है ना यही आपका बीजगणितीय रूप है, क्या है आपका, बीजगणितीय रूप है, ये जो है आपका क्या है, बीजगणितीय रूप है, पहला हम लोगों ने इसको दर्शा दिया, कोई दिक्कत है? अब दूसरा आपका इसमें बोल रहा है कि ज्यामितीय रूप भी आपको दिखाना है, किसमें, ज्यामितीय रूप में दिखाना है, तो ये बहुत आसान होता है, ये ज्यामितीय रूप में दिखाना ना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आपको ज्यामितीय रूप में दिखाना है तो भाई पहला वाला समीकरण आप इसको ले, 3x + 4y = 20 है, ठीक है,
तो क्या करिए, एक बार देखिए कि 3x प्लस 4y बराबर क्या करिए, 20 कर दीजिए। इसके बाद आप निकाल लीजिए। यहां पर जानते हैं, एक बार x को जीरो कर दीजिए या y को जीरो कर दीजिए, आप अपनी सुविधा के लिए एक बार जीरो करिए, एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख दीजिए, आपका मान जरूर आ जाएगा, समझ में। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या में आए, क्या करे, पूर्ण संख्या में आए। तो हमको उसको दिखाने पर ना, ज्यामिति रूप में दिखाने पर आसान होगा। जैसे हम क्या करते हैं कि x का मान क्या करते हैं, इसमें जीरो रख देते हैं, क्या करते हैं, x का मान क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। तो x बराबर हम क्या करते हैं, जीरो रख देते हैं, समझ में आया। जब x बराबर अगर हम जीरो रख देंगे तो क्या होगा, यहां देखिए समझिएगा, x बराबर हमने क्या रखा है, जीरो रखा है ना। तो x बराबर अगर हम जीरो रखते हैं तो आप समझिएगा कि यहां पर लिखेंगे 3 × 0 प्लस 4y बराबर का 20, क्या आएगा, बराबर का 20 आएगा ना। तो 3 का जीरो में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 3 में जीरो का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 जीरो यहां जीरो आएगा ना। तो इसको हम यहां मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आया। तो आपका बचा क्या, 4y बराबर 20 ही ना बचा, बचा ना। तो यहां से अगर हम करेंगे देखिए, तो y बराबर क्या आपका आएगा, देखिए 20/4, तो y का मान कितना आपका आया, 5। भाई x पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये देखिए x, y का जो मान आया आपका कितना आया, 0, 5 आया। यहां तक कोई दिक्कत है, एक बिंदु आपका आया, कोई दिक्कत है। लेकिन आपका ये देखिए भाई, दो चार वाला रैखिक समीकरण है ना, तो एक बिंदु हम लोगों ने यहां से निकाला, एक बिंदु और क्या करना पड़ेगा हमको, और निकालना पड़ेगा, एक बिंदु और निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं देखिए, अपनी सुविधा के लिए ना x बराबर जीरो रख देते हैं, क्या करते हैं, x बराबर जीरो रख देते हैं, x बराबर, हाँ एक बार आप y बराबर जीरो रखते हैं। अब तो क्या करें, एक बार हमने x बराबर जीरो रखा है, अब एक बार हम क्या करते हैं, y बराबर जीरो रख देते हैं। तो y बराबर जब हम जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3x और प्लस 4 × 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 20। तो ये 3x बराबर कितना, 4 × 0 हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे, देखिए 20/3 आया, 20/3 आया ना, तो उसको अगर हम ग्राफिक रूप में अगर दिखाना चाहे ना, रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी हमको क्या होगी, कठिनाई होगी, थोड़ा सा क्या होगा, बनाने के लिए हो जाएगा भाई। अब इसका मान दशमलव में आएगा ना, तो भाई जो ग्राफ होता है उसमें हेर फेर करेंगे, दशमलव तक ले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि इसको y का ऐसा मान कुछ रखिए कि ये एक पूर्ण संख्या में पूरा पूरा कट जाए, जैसे 4 आए, 5 आए, 6 आए, इस रूप में आ जाए। तो हमको ऐसा कुछ सोचना है। अब सोचिए कि y का मान हम क्या रख दें, अगर हम y का मान अगर एक रखते हैं तो 20 में से अगर हम ये 4 उधर जाएगा, अगर y का मान समझिए 0 मैंने रखा तो 20/3 आया, ठीक है। आप ऐसे समझिए, सपोज करिए अगर हम y की जगह पर एक रखते तो 4 × 4 आता, ये इधर जाता, 20 में से 4 घटता तो कितना आता आपका, 16 आता। तो तब पर भी x बराबर क्या होता, 16/3 कितना होता, 3 आता। बात जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रही ना। जैसे सपोज करिए भाई 0 मैंने रखा, 20/3 आया, ठीक। हम क्या करते हैं, अगर y बराबर 1 रखते ये हो जाता देखिए 3x + 4 × 1 = 20 होता। तो 3x बराबर क्या होगा, देखिए ये 20 और इधर आता है -4, तो 3x बराबर कितना होता आपका, 16 होता। तो x बराबर 16/3 आया, फिर भी तो पूर्ण संख्या कटा नहीं, हाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब यहां समझिए आप कि अगर हम 2 रखते हैं, अगर यहां हम 2 रखते हैं तो देखिए आप पर क्या होगा, देखिए 3x + 4 × 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 20। तो 3x बराबर क्या होगा, 20 और ये 4 × 8 - 8 आ जाएगा। तो क्या होगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4। ये भी रखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो सही सही अगर आपको बनाना है आसानी होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं, इतना बराबर हमको जीरो नहीं रखना है। हम क्या रख लेते हैं यहां पर, y बराबर हम रख देते हैं 2, क्योंकि आपकी इच्छा है जो कुछ भी रखना है वो भी रखिए, आपका आंसर आएगा, समझ में ना। तो y बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, y बराबर हम 2 रखेंगे देखिए तो हो जाएगा 3x + 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 20। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर 3x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 8 आएगा, तो 20 में से अगर इधर जाएगा तो आपको मैंने बताया कि 20 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। बात समझ में आई ना। अब क्या हो गया, यहां से अगर हम काटेंगे देखिए 3 × 4 x का मान कितना आपका आया, 4 आया, आया कि नहीं आया। एक आपका वाई बराबर 2 रखा, तो हम लोगों का x कामा जो वाई है वो क्या आपका आया, 4/2। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखिए, x पहले रहेगा, y क्या रहेगा, बाद में रहेगा,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक जो बातें मैंने आपको बताई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं कि भाई इसका तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इससे भी तो हमको कुछ पता करना होगा, इससे भी तो कुछ पता करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? इसका मैंने दो पॉइंट निकाल लिया, अब इससे भी हम दो बिंदु निकालते हैं तब तो हमारा वो बनेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए इतना कर लेते हैं, अब क्या करते हैं थोड़ा सा हम कहां ले करें, इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है? तो इसको हम क्या करते हैं, इसे धीरे से मिटा देते हैं, क्योंकि इसका हमने जो काम करना था ना, जितना हमको यूज था उतना हमने इसका यूज ले लिया है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, देखिए अब पहले वाला जो दूसरा वाला समीकरण है ना, यहां पर x बराबर क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए, है कि नहीं है? तो x बराबर हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर जीरो रखने पर, जब x बराबर जीरो रखेंगे देखिए तो x के जीरो हो जाएगा, तो y बटा के टू हो जाएगा, तो दो का जीरो में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ही तो आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे देखिए y बराबर भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो। तो x कॉमा जो y आपका आया वो क्या आया, क्या आपका आया, जीरो कॉमा जीरो आपका आया। अब क्या करिए, एक बार क्या करिए, y बराबर जीरो रखिए। तो अगर हम y बराबर अगर जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए अगर फिर हम भाई यहां पर y बराबर जीरो आया है, अगर y बराबर अगर जीरो रख देंगे, समझिए सपोज करिए y बराबर अगर हम जीरो रख देंगे तो ये x बराबर जीरो फिर y बराबर जीरो आएगा, यही वाला बिंदु आ जाएगा। तो कुछ अलग लेकर आना पड़ेगा क्योंकि वही बिंदु सेम आ जा रहा है। जैसे अगर हम y बराबर फिर से जीरो रख देते हैं तो ये जीरो बटा के दो हो जाएगा, तो x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, तो दोनों फिर यही वाला बिंदु आ जाएगा। नहीं बात समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक बार मैंने x बराबर जीरो रखा तो x कमा वाई जीरो कमा जीरो आया, ठीक। अगर अब मैं दूसरी बार अगर मैं बोलता हूँ भाई कि x बराबर जो है वाई बटा टू है, अब मैं बोलता हूँ एक बार वाई बराबर जीरो में रख दूँ, तो वाई बराबर अगर मैं जीरो रख दूँ ना तो x बराबर क्या होगा, जीरो बटा के टू आ जाएगा, तो x बराबर फिर जीरो आएगा, तो फिर यही बिंदु आ जा रहा है, जीरो कमा जीरो आ जा रहा है ना। तो हमको दो बिंदु लेना है ना, और अलग अलग आने चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग अलग आपके आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसा कुछ सोचिए कि पूर्णांक संख्या में आए, आप लोग सोच के बताइए क्या रख सकते हैं। यहाँ देखिए वाई बाई टू है ना, तो वाई का मान अगर हम दो रख दें तो एक्स का मान वन नहीं आ जाएगा, है नहीं? तो हम क्या करते हैं, देखिए वाई बराबर क्या रखते हैं, दो रखने पर, दो रखने पर जब वाई बराबर अगर हम दो रखेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, देखिए एक्स बराबर आ जाएगा दो बटा के दो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, आ जाएगा। फिर यहां से आपका एक्स कॉमा जो वाई आपका आया कितना आपका आया, देखिए एक कॉमा दो आया, आया ना। अब इसको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में दिखाना है ना, यही ना बोल रहा है ज्यामितीय रूप। तो हमको क्या करना है, ज्यामितीय रूप जानते हैं ऐसे, एक्स और वाई, अच्छा नाइन्थ में पढ़ा होगा ना कि नहीं पढ़े हैं? अब इसको कर लीजिए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इधर आ जाइए एक दो तीन चार पाँच, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये तो जानते हैं जीरो कमा जीरो है। इधर आ जाइए एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये आपका देखिए ये वाला आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, ठीक, क्या है आपका, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। इधर कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये आपका हो गया। अब देखिए पहले वाले को हम करते हैं, पहले वाले में हम लोगों ने दो बिंदु निकाला है ना, पहला आपका जीरो कॉमा पाँच आया है, तो एक्स पर कितना, y पर कितना, पांच। देखिए x पर आपको क्या करना, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इधर गया तो आप x अक्ष पे जा रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आप बढ़े तो, लेकिन इसने बोला कि x पर कुछ भी नहीं बढ़ना है और y पर कितना बढ़ना है, पांच। तो y पर देखिए एक, ये देखिए एक दो तीन चार पांच, यहाँ है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये क्या है, जीरो कॉमा का फाइव है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बिंदु मैंने यहां पर ये निकाला जीरो कॉमा पांच, दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ देखिए x पर चार y पर दो, तो x पर चार आ जाइए, देखिए एक दो तीन चार, x पर चार और y पर दो, दो का मतलब देखिए एक दो, तो ये चार और दो यहीं पर आएगा क्या, कुछ ऐसे ही करके आएगा, क्योंकि देखिए x पर चार हमने यहाँ पर आ गया, ठीक, और y पर आपका दो यहाँ पर आना है, तो ये यही वाला क्या आ जाएगा आपका, देखिए चार कामा, कोई दिक्कत है? अब क्या करिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये हो गया, कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है ना, दो बिंदु होना हमको जरूरी था और इस समीकरण का हम नाम लिख देंगे। ये कौन सा समीकरण हमारा था, समीकरण क्या नाम था, 3x + 4y = 20। तो यहाँ पर इसका नाम हम लिख देंगे, देखिए 3x + 4y = 20। ये आपका समीकरण हो गया, कोई दिक्कत है। अब दूसरा क्या था, देखिए दूसरा, देखिए xy 0, 0, तो xy 0, मतलब 0 यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत है। और दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा हम लोगों ने कहा xy 1, 2, x पर 1 y पर 2, तो x पर 1 यहां पर है, y पर 2 आपका यहां पर, ये यह यहां पर आएगा, क्या होगा 1, 2 होगा। इसको हम ऐसे मिला देंगे, देखिए यहां पर जो है ना, इसको ऐसे मिला देंगे और इस समीकरण क्या नाम है, x = y/2। यही आपका समीकरण हो गया, यही आपका ज्यामितीय निरूपण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बस यही आपको ऐसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी मान जीरो कर लीजिए, ठीक है ना, जितना हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उतना और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं जो मैंने बताया। देखिए सेकेंड आपका एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई। स्टेशनरी की दुकान समझते हैं, कॉपी किताब की दुकान, स्टेशनरी दुकान में समझ लीजिए कि कॉपी किताब की दुकान पर वो गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदा। क्या हुआ कि 9 रुपये में उसने क्या किया, 2 पेंसिल खरीदा और कितना, 3 रबर खरीदा, कितने, 9 रुपये में। यहां तक बात समझ में आया। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। क्या हुआ कि उसकी सहेली सोनाली नाम की थी, तो उसके पास नया पेंसिल और रबर देख करके उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। अभी ये नहीं पूछ रहा है कि रबर की कीमत क्या थी, पेंसिल की कीमत क्या थी, अब आगे आपका पूछा जाएगा। यहां पर सिर्फ वो बोल रहा है कि यह जो जो कंडीशंस बोल रहा है, इस कंडीशंस को आपको क्या करना है, ज्यामितीय रूप या जिसे बोलते हैं हम लोग ग्राफीय रूप और बीजगणितीय रूप में आपको दिखा देना है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, हाँ या ना, ठीक। तो हम क्या मान लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि भैया रबर की कीमत क्या थी और पेंसिल की कीमत क्या थी, होना तो जरूरी है ना, तब तो हम बताएंगे। लेकिन हमको ये पता है कि भाई रबर और पेंसिल को मिलाकर हमने 9 रुपये दिया है, तो रबर की कुछ अलग कीमत रही होगी और पेंसिल की कुछ अलग कीमत रही होगी, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं कि माना, क्या करते हैं कि माना जो पेंसिल है, क्या है कि पेंसिल जो है वो कितने रुपए में है, x रुपये में मिलता है। माना कि जो पेंसिल है वो कितने रुपए मिलता है, x रुपये में, और जो रबर है, और क्या है, रबर है वो कितने रुपए मिलता है, y रुपये में मिलता है। कितने रुपए मिलता है, y रुपये मिलता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जरा बताइए कि अगर एक पेंसिल की कीमत यहां पर है ना, अगर मान लेते हैं भाई x रुपये है, क्या है कि अगर भाई हमने माना ना कि पेंसिल कीमत x रुपये है, अगर हमने एक पेंसिल की कीमत अगर x रुपये माना है तो 2 पेंसिल की कीमत मेरा कितने रुपए होगा, अगर हम एक पेन की कीमत अगर 5 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितना होगा, 2×5 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, बात समझ में आई। तो एक पेंसिल की कीमत हमने x रुपये माना और उसने लिया क्या, 2 पेंसिल लिया ना, किसने लिया, रोमिला ने 2 पेंसिल लिया, तो 2 पेंसिल की कीमत कितना होगा, 2x होगा या नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2x, 2 पेंसिल की कीमत 2x, और एक रबड़ की कीमत अगर हमने y माना है तो उसने कितना रबड़ लिया, 3 रबड़ लिया, तो 3 रबड़ की कीमत कितना होगा, 3y होगा ना, तो भाई हमने 3y कर लिया, और इन दोनों को मिला करके उसने कितने रुपए दिया, 9 रुपए, तो हम इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, और इसके बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 9, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है। जैसे अरे यार इसे आप समझिए ना भाई, एक पेन आपने 5 रुपए का लिया, और दूसरा मान लीजिए एक मार्कर ले लिया, वो दूसरा जो मार्कर है उसको ले लिया 4 रुपए का, तो टोटल आपने कितने, 9 रुपए दिया था, तो भाई 5 में से 4 को जोड़ेंगे तब तो 9 आएगा, बराबर 9,
है ना। तो उसी तरीके से इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिया? 9 रुपए दिया। पहला वाला ये रोमिला का कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। अब जरा बताइए कि ये समीकरण है या बहुपद है? समीकरण है। मैंने बताया था ना बात को कि बहुपद क्या होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुपद क्या होता है, जिसके बराबर कुछ भी ना लगा हो। जैसे आपका 2x + 3 है, ये क्या एक बहुपद है। और समीकरण क्या होता है, 2x + 3 बराबर, बराबर का चिन्ह लगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि इसकी शादी नहीं हुई है, इसकी शादी हो गई है। जिसके मांग में सिंदूर है वो क्या है, समीकरण है, उसकी शादीशुदा है। तो ऐसे समझिए कि जो समीकरण होता है ना वो क्या होता है, शादीशुदा होता है। और बहुपद क्या होता है, बेचारा अभी नहीं शादी हुई है इसकी, नया नया है। समझ में आया? चलिए ये बात समझ में आया आपको। ये पहला कंडीशन हुआ। अब सेकेंड जो आपका कंडीशन है, उस सेकेंड वाली कंडीशन को भी हम अप्लाई कर देते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? सेकेंड कंडीशन क्या है कि भैया उसकी सहेली जो सोनाली है वो क्या गई रोमिला के पास, नई तरह की पेंसिल देखकर, पेंसिल और रबड़ देखी, उसने भी 18 रुपए में, कितने रुपए में, 18 रुपए में क्या खरीदा, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। तो एक पेंसिल की अगर कीमत x रुपए है तो 4 पेंसिल की कीमत कितना रुपए है, इसका 4x ना, कितना होगा 4x। तो ये हो जाएगा एक पेंसिल का अगर x तो 4 पेंसिल का कितना हुआ, हाँ या ना, कोई दिक्कत? और अगर भाई 4 पेंसिल खरीदा और रबर कितना खरीदा, 6, तो 1 रबर की कीमत अगर y है तो 6 रबर कीमत कितना होगा, 6y, कोई दिक्कत है? और इन दोनों को जोड़ करके उसने कितने रुपए दिए, 18 रुपए, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये जो स्थिति है, ये यहां तक जो आपका है, ये क्या है आपका, उसने बोला ना कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यह जो स्थिति है वो क्या है, बीजगणितीय रूप, क्या है, बीज गणितीय रूप है आपका। अब आपको क्या करना है, ज्यामिति या ग्राफी रूप दिखाना है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इनमें देखिए दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ना तो यही वाला समीकरण ये बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इधर से, अगर मैं, आप सपोज करिए अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा देखिए 2x + 3y बराबर, इधर आपका 2 × 9 कर दूं तो 2 से 2 आपका कट गया, तो 2x + 3y बराबर क्या 9 ही आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत है? इसका मतलब जब हम ग्राफी रूप में दिखाएंगे ना तो दोनों क्या होगा, एक ही रेखा से होकर के क्या करेगा, गुजरेगा, क्या करेगा, एक ही रेखा से होकर के गुजरेगा। तो पहले वाले को हम लोग संतुष्ट करते हैं, क्या है भैया आपका, हम लोग निकालते हैं आपका ग्राफी रूप बनाते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या है आपका, देखिए 2x + 3y बराबर कितना है आपका, 9 है। तो ऐसा कुछ मान बताइए, क्या करिए कि ऐसा कोई मान बताइए कि जिससे हम क्या करें, हमको पूर्ण संख्या में अगर आएगा तो बेहतर रहेगा, मैंने बताया ना करने के लिए। तो ऐसा कुछ क्या माने, अगर x का मान हम क्या मान लें, 1 मानेंगे तो 9 में से 2 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो पूर्ण में तो आएगा नहीं। अगर 2 मानते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 × 4 ये आपका 9 होगा, 4 में से अगर 9 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा आपका, 5 आएगा, वो भी नहीं बनता है। अगर हम 3 मानते हैं तो 3 × 6 9 में से 3 जाएगा तो y के मान 1 आ जाएगा, समझ में आया। तो हम क्या मानते हैं कि x बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x बराबर 3 मान लेते हैं। जब x बराबर हम 3 मानते हैं तो यहां हो जाएगा देखिए 2 × 3 + 3y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 × 6 हो जाएगा, तो इधर 3y बराबर 9 और ये 3 × 6 है। अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, yes, हाँ या ना, yes। अब क्या होगा, 3y बराबर कितना होगा, 9 में से 6 कटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 3, तो ये 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया, 1 आया, हाँ या ना, अरे बोलो, ठीक। तो हमारा क्या आया कि x, y कितना आया आपका भैया, 3, 1 आया, कोई दिक्कत है? एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं कि y बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, क्या करते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं।
अगर जीरो मानेंगे तो 2x बराबर 9 आ जाएगा, 9 बटा 2 आ जाएगा। तो हम y बराबर क्या करते हैं, देखिए अगर 1 मानते हैं तो 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, x का मान 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? yes, दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं दोबारा, x बराबर क्या मानते हैं, देखिए माना क्या कि y बराबर 1 मानेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा, कुछ अलग मानिए तो दोनों एक ही रेखा पर हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसा मानिए थोड़ा कुछ अलग आए, और कुछ सोचिए। y बराबर हम क्या करते हैं ना, 3 मान लेते हैं, 3 मान लेंगे 3 तीन का 9, तो x का मान 0 आ जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो हम क्या करते हैं, देखिए y बराबर क्या करते हैं, y बराबर 3 मान लेते हैं, पर रखने पर अगर हम y बराबर 3 रखते हैं तो देखिए क्या होगा आपका, देखिए 2x प्लस 3 है और y की जगह हमने क्या रखा है 3, बराबर क्या हो जाएगा आपका 9, तो 2x बराबर क्या होगा 9, और ये इधर चला जाएगा कितना जाएगा माइनस का 9, 3 तरीका 9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, तो आपका x कॉमा वाई बराबर कितना आया, x कॉमा वाई बराबर कितना आया आपका 0.3, वाई का मान हमने 3 माना है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसको ज्यामिति रूप में, देखिए ये जो है 2x plus 3y बराबर दोनों है, दोनों एक ही पर है, एक ही है, सिर्फ इसमें क्या किया 2 का गुणा कर दिया गया है, तो इसको हम ना भी निकालेंगे ना हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर निकालेंगे ना तो यही आपका मान आएगा, यही मान जो है आपका पहला वाला आया है ना, तो दूसरे वाले समीकरण भी क्या होगा यही मान आएगा। तो दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, आगे आप पढ़ेंगे ना तो वो क्या होगा संपाती होगा, क्या होगा संपाती। एक दूसरे के अगर ऊपर से जा रहा है चिपक करके जा रहा है तो क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं देखिए इसको बना देते हैं, देखिए ये समीकरण आपका ऐसे चतुर्थांश हमने बना दिया, ये आपका चतुर्थांश हमने बना दिया, ठीक थोड़ा साफ से बनाएं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हम बनाते हैं ये ऐसे, ये चतुर्थांश हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 ये इधर 1, 2, 3, 4, 5 नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, इधर 1, 2, 3, 4, 5 इधर -1, -2, -3, -4, -5 इधर वही -1, -2, -3, -4, -5 का यही होगा। ये आपका क्या है x अच्छा है और ये क्या है आपका y अच्छा है, कोई दिक्कत है? ये वाला प्लस प्लस होता है ना, समझ में आया? अब देखिए पहला वाला हम लोगों ने देखा है तो x कॉमा वाई कितना आया 3.1, x पर कितना चलना है 3, तो x पर 3 देखिए 1, 2, 3 और y पर कितना है आपका देखिए 1 है, तो y पर 1 मतलब आपका ये होगा क्या बिंदु, सोचिए यही तो होगा, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका देखिए 3.1, देखिए आपका मैंने बना दिया, देखिए x पर इसने 3 बोला मैंने 3 कर दिया, y पर कितना है 1 यहां पर बोला, ठीक कोई दिक्कत है? अब दूसरा वाला हम लोग क्या क्या है x पर 0 और y पर 3, तो x पर देखिए आपका 0, y पर कहां 1, 2, 3 यहां ये वाला बिंदु है, ये क्या हो गया देखिए 0.3 हो गया और ये क्या था आपका देखिए 3.1 था, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं कि इस 0 को हम इससे मिला देते हैं और यहीं से आपका 2x plus 3y बराबर 9 और 4x plus 6y बराबर 18 ये दोनों गुजरेगा, तो दोनों समीकरण का हम नाम यहां एक दोनों का लिख देते हैं, देखिए आपका देखिए 2x plus 3y बराबर 9 ये समीकरण और ये इसी समीकरण पर, क्योंकि यह भी वही है ना, दो कॉमन ले तो वही समीकरण आ गया ना, है ना? तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है संपाती हैं, संपाती है इसलिए एक दूसरे को हमेशा छूते हुए जाएंगे, तो यहां पर इसका इस समीकरण का मैं नाम लिख देता हूं, क्या है आपका देखिए 4x plus 6y बराबर 18, समझ में आई बात? ये आपका क्या हो गया इसका ग्राफी या ज्यामितीय रूप, और बीजगणितीय रूप क्या हो गया, ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया, कोई दिक्कत है? इतना ही हमें क्या करना है दिखाना है, कोई दिक्कत है? अब देखिए उदाहरण नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x plus 2y minus 4 बराबर 0
और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। रेल के पटरियों को समीकरणों के द्वारा क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। इन स्थितियों को ज्यामिति रूप में व्यक्त करिए, क्योंकि ये तो बीजगणित रूप में तो व्यक्त कर दिया है, अब हमें क्या करना है, इनको सिर्फ ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है। समीकरण हमको बना करके दे दिया है, क्या है भैया पहला वाला, एक्स प्लस टू वाई माइनस चार है, तो ये माइनस चार को अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, बराबर का चार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, या तो हो जाएगा। अब वैसे नीचे वाला को हम कर लेते हैं, टू एक्स प्लस क्या है फोर वाई, अब माइनस का 12 है, अब ये माइनस का 12 जब इधर जाएगा जीरो तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 12 हो जाएगा, है कि नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। हमको क्या करना है, इनको ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है। तो भैया इनके दो दो बिंदु हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, एक्स वाई को दो मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो पहला वाला हम ले लेते हैं, क्या है आपका, देखिए एक्स प्लस टू वाई बराबर कितना है आपका, 4 है। अब जरा बताइए कि हम कौन सा क्या मान रख दें इसमें, ये एक पूर्ण संख्या में, अगर y बराबर मैं 0 कर देता हूं, ठीक है, अगर y बराबर मैं 0 कर दूंगा तो क्या x बराबर मुझे 4 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, पहले एक बार x बराबर 0 कर दो, कि x बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखिएगा तो यहां पर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से देखिए तो ये 0 का कोई मतलब हुआ नहीं, अब ये 2y बराबर 4 है, तो y बराबर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 बटा के 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 दुना के 4 2 आया। इसका मतलब अगर हम करते हैं, देखिए कि x कामा वाई हमको क्या मिला, यहां से 0 कामा 2 मिला, कोई दिक्कत है, एक बिंदु हमारा निकल गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं, एक बार y बराबर हम 0 कर देते हैं, क्या करते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो क्या करते हैं, देखिए y बराबर 0 रखने पर, y बराबर अगर 0 रखेंगे देखिए तो x प्लस 2 इंटू वाई के मान जब 0 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, तो x बराबर 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं, तो बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई या नहीं, आया। तो यहां से हमको x और y, किसका, x और y का क्या मान मिला भैया, 0, अरे 4,0 मिला ना, पहले देखिए यहां पर 4 आया, फिर कामा क्या मिला आपको, 0 मिला, यहां कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका हमको मिल गया, इसका है कि नहीं है, हाँ या ना, अरे बोला करिए कम से कम, भगवान ने मुंह इसीलिए दिया है कि आप क्या करिए, बोलिए। अब यहां पर देखिए, अगर आप बोलेंगे अगर मैं 2 का मान ले लूंगा तो x प्लस 2y आएगा, लेकिन इधर 4 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका, 6 आएगा। इसका मतलब ये आपका इक्वेशन क्या है, अलग है, समझ में आया ना, ये संपाति आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि समीकरण में आप कुछ ऐसा सोचिए कि हम क्या करते हैं, देखिए सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहला वाला सॉल्व हो गया, ये है देखिए 2x प्लस 4y बराबर आपका 12, क्या रखें, x बराबर अगर हम 0 कर देंगे तो y का मान हमें 3 मिल जाएगा, श्योर है मिल जाएगा, जो पूर्ण संख्या मिलेगा, है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, किसमें, इस समीकरण में रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये x 0 की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसी में रख रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो x बराबर 0 अगर रखेंगे देखिए तो 2 गुणते कितना हो जाएगा आपका, 0 और प्लस का कितना हो जाएगा, देखिए 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12। यहां तक तो बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो देखिए 2 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं, तो आपका बचा क्या यहां पर, 4y बराबर 12 बचा, तो y बराबर अगर हम करेंगे ये 12 गया और ये 4 किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बटा के 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत है। अब करेंगे देखिए 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 12। इसका मतलब आपका हुआ देखिए कि y बराबर कितना मिले मुझे, मिला 3, यही ना मिला। तो कहने का मतलब मुझे कि x कामा y का जो मान मिला वो क्या मिला, मिला भैया मुझे 0,3 मिला। यहां तक कोई दिक्कत है, दिक्कत है, और जब दिक्कत नहीं है तो एक बार क्या करिए, y बराबर 0 कर दीजिए, क्या करिए, y बराबर 0 करेंगे। तो अब क्या करते हैं, देखिए y बराबर 0 रखने पर,
तो y बराबर जब 0 हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 4 गुणते कितना हो जाएगा, 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 आया ना। अब 4 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा 0, तो इधर बचा क्या 2x बराबर आपका 12 बचा कि नहीं बचा, बचा। तो x बराबर अगर हम करेंगे तो देखिए 12 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x बराबर कितना हो जाएगा 2 छक्के काटेंगे तो 6 ही ना आएगा, तो x का मान कितना मिला आपको 6 मिला। तो यहाँ से x कॉमा y बराबर क्या मिला 6,0। x पहले होता है ध्यान रखिएगा, हमेशा x पहले रहेगा और y बाद में रहेगा। अब इसको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ रूप में बताना है। तो लीजिए मैं कहाँ बता दूँ, जहाँ कहिए वहीं बता दूँ, है कि नहीं है, यही बता दें क्या यही बीच में बचा बन जाएगा। चलिए बना देते हैं, ये आपका बना ऐसे सुंदर सा मासूम सा, इसको हम लोग बना देते हैं ठीक। अब क्या करते हैं देखिए, इसको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक, इधर भी वही हाँ 6 तक मैक्सिमम x का मान 6 होता है तो वही जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक, वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर वही 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ा करके 6 ठीक है। ये आपका कौन सा है x अक्ष है, ये कौन सा है आपका y अक्ष है, ध्यान समझ में आता है बात आ रही है। ये आपका प्लस वाला होता है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अब देखिए पहले वाला जो समीकरण है ये वाला, इसको हम लोग करते हैं x प्लस 2y बराबर जो 4 है इसमें हम लोग करते हैं। तो पहला वाला जो हम लोगों ने x और y का मान निकाला तो 0 का मान कितना आया था 2 आया था, यही ना आया था 0 का मान मतलब x पर 0 y पर कितना 2, इसका मतलब ये यहां पर आएगा, कहां पर आएगा आपका यहां पर, कोई दिक्कत है। और सेकेंड वाला जब हम लोगों ने निकाला था तो x कमा वाई का मान कितना आया था 4,0 मतलब x पर 4 y पर 0, तो x पर कितना 4 यहां है ना, और वाई पर क्या करना है एकदम 0, तो वही बिंदु ना आएगा यही ना। तो ये वाला जो बिंदु आपका है ये देखिए इसको हम क्या करते हैं इससे मिला देते हैं, और ये जो बिंदु है आपका ये वाला कितना है आपका देखिए 4,0 है, और ये वाला बिंदु कितना है आपका 0,2 है, और ये ऐसे निकलता है ना। तो ये कौन सा समीकरण था आपका x प्लस 2y बराबर 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका देखिए x प्लस 2y बराबर 4, इस समीकरण को आप लिख देंगे। ये पहला वाला मैंने इसको बना दिया, और दूसरा मैंने बनाया है x और y कमा 0,3 आया है ना, तो 0,3 मतलब ये आपका ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 0,3 ये वाला है, ध्यान रखिएगा ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है ना, तीन वाला है ना, हाँ हाँ ये वाला देखिए 0,3 है ना, तो यही ना लिखे हैं देखिए ये 0,2 जो है इसको यहाँ पर मत लिखिए, इसको ये नीचे हम लोग यहाँ बगल में इसे लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत है, 0,2 आपको समझ में आएगा ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3 पे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ये 4,0 है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये देखिए ये यहाँ करके देखिए 4,0 ठीक है। तो ये 0,3 आया और ये कितना आया 6,0 आया, तो 6 आपका यहाँ पर है ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 6,0, तो हम क्या करते हैं इसको इससे मिला देते हैं, किससे इसको भैया इससे मिला दिए मिला दिए, और ये समीकरण जो था आपका समीकरण क्या था 2x प्लस 4y बराबर 12 ना, तो ये हो जाएगा देखिए 2x प्लस 4y बराबर 12, ये समीकरण मैंने लिख दिया, यही इसका क्या है ज्यामिति, हाँ ज्यामिति रूप है या ग्राफी रूप है, यहाँ तक बात समझ में आया। ये देखिए एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है आपका समांतर है, क्या है आपका समझ, आगे जब प्रश्नावली 1.2 3.2 पढ़िएगा ना तो ये आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो ये देखिए आपके 3 एग्जांपल हमने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया, अब अगली बार अगला जो कल हम लोग देखेंगे क्या करेंगे इसका प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे, समझ में आया ना।